होगा अगर वे बात नहीं मानेंगे, कोई न्यायपूर्ण बात नहीं होगी तो आंदोलन करना होगा, तो आंदोलन भी करेंगे भाई। नहीं, अगर इंसाफ मिलेगा तो यात्राएं भी निकलेंगी। दिन का समय सिर्फ उनको खेल वालों को दिया, उनको बच्चों को, सरकार को अभी नहीं दिया। सरकार को कोई टाइम देने की बात होगी तो वो कल देंगे। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत ने यह ठान लिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवा कर रहेंगे। एक तरफ देखा जाए तो पहलवान खिलाड़ी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं कि यहां पर जो है यौन शोषण हुआ है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस फैसले को सुलझा देंगे, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत से क्या हल निकल जाएगा, क्योंकि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कई सारे सवाल खड़े ये किए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जंतर मंतर से 4 से 5 किलोमीटर दूर हैं, उसके बाद भी कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया, तो अब क्या फैसला देगी। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो जाता है, इसके बावजूद भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि ये अधिकार राष्ट्रपति का होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत इस बार फिर राजनीति कर रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि पहलवान खिलाड़ियों का ये जो आंदोलन है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। तो दूसरी तरफ यहां पर तमाम विपक्ष की पार्टियों ने ये कह दिया कि ये राजनीति नहीं है, ये महिलाओं की लड़ाई है, ये बेटियों की लड़ाई है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ति तत्र देवता, और संस्कार और संस्कृति के लिए जाने जाने वाले भारत देश में आज कौन सी तस्वीर है जो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। जो भी लोगों ने अपने मंच से स्पीच दी वो उसी चौधरी की विचारधारा है। ये हुआ कि राष्ट्रपति होम मिनिस्टर इन लोगों से मिला जाए, अपनी बात उनके सामने भी कही जाए, और अगर आंदोलन करना होगा, अगर वे बात नहीं मानेंगे, कोई न्यायपूर्ण बात नहीं होगी तो आंदोलन करना होगा, तो आंदोलन भी करेंगे। ये तो मीटिंग वाली बात आप कह रहे थे कि आप पूरे देश में लोगों से मीटिंग करेंगे, ये तो मीटिंग है। जैसे MSP का सवाल है या दूसरे और सवाल है, तो उसमें एक एजेंडा, एक पैराग्राफ ये भी जुड़ जाएगा कि देश में इस तरह के भी हालात हैं, तो मीटिंग होगी, तो अपनी एक बात ये भी कहो। जो FIR चल रही है सरकार के किसी मंत्री से कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार से मिलेंगे, चलो हुई है, जिससे अभी तो दिया है, उनको मैसेज दिया है जी भाई। नहीं, अगर इंसाफ मिलेगा तो यात्राएं भी निकलेंगी। 5 दिन का समय दिया था, 2 दिन हो गए अब इसमें। 5 दिन का समय सिर्फ उनको खेल वालों को दिया, उनको बच्चों को, सरकार को अभी नहीं दिया। सरकार को कोई टाइम देने की बात होगी तो वो कल देंगे, और कल जिन सरकारी अधिकारियों के जिसके भी फोन आए उनको हम बताएंगे कि आप खाप पंचायत के लोगों का मिलने का टाइम करवाओ। नहीं, 5 तारीख का भी अगर जरूरत पड़ेगी तो ये खिलाड़ी भी अयोध्या में 19 संगतों के साथ में जाएंगे, आप 5 में नहीं तो फिर किस दिन जाएंगे। ठीक है जी, एक सवाल हमारे बड़े हैं जो वे कहेंगे वो नहीं, हम क्या कहेंगे, वो तो जो कानून, वे तो बच्चे कह रहे भाई, वे क्यों कह रहे हैं, वे तो बच्चे कह रहे हैं। जी, जब खिलाड़ियों को डिटेन किया गया था तो कई धाराएं लगाई गई, हाँ, इसमें से कुछ बहुत संगीन धाराएं, और जेल में चले जाएंगे, संगीन धाराएं जेल में चले जाएंगे, हाँ, दंगे, वे जेल में भी जाएंगे, दंगे की धारा में भी जेल जाएंगे, उसके बारे में आप लोग ना, वे जेल जाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहते। अगर आंदोलनकारियों पे रिपोर्ट लिखवाने पे, जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई उन पर दंगे की धारा लग रही है, तो भाई जेल जाएंगे वे। खिलाड़ी अपने आप को हताश महसूस, नहीं होने की जरूरत उन्हें। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर आवाज को बुलंद किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है बातचीत करेंगे, ज्ञापन सौंप सकते हैं। आखिर क्या कुछ होगा, क्या कुछ हल निकलेगा, ये समय तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट।